हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल सो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ़ सीडीपी सो टुडे इज डे सिक्सटीन ऑफ अवर सीरीज एंड आज हम अनदर थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन करने वाले हैं दैट इज ब्रॉन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इसको थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं सो फ्रेंड्स इस थ्योरी को कंप्लीट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सो बिफोर आई स्टार्ट विद द थ्योरी इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स सो स्टार्टिंग विद दिस थ्योरी ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती है इसका कहना ये है कि जो भी एनवायरमेंट है इन्वायरमेंट किस तरह का है बच्चे का ठीक है हर प्रकार का एनवायरमेंट बच्चे को अफेक्ट करता है बच्चे को कह लीजिए या फिर इंडिविजुअल को क्या करता है वो इफेक्ट हमेशा इफेक्ट करता है आज भी इफेक्ट करेगा कल भी करेगा यानी कि इसका जो इफेक्ट है ये थ्रू आउट रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ लॉन्ग इसको हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है इसका जो इफेक्ट है वो पूरी ज़िंदगी आप पे पड़ता रहेगा इसके वेरियस जो लेवल्स होते हैं एनवायरमेंट के वो चीज़ें हम देखेंगे कि, कि किस तरह से कौन सा आपके पेरेंट्स आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं ठीक है इनडायरेक्टली मास मीडिया क्या इफेक्ट डालता है आपका स्कूल क्या इफेक्ट डालता है डायरेक्टली हम उन चीज़ों को नहीं देखेंगे हम उनको लेवल्स के फॉर्म में देखेंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम समझ में आ गई ये चीज सो नाउ वी विल डायरेक्टली सी द लेवल्स ऑफ इन्वायरमेंट सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो लेवल्स हैं इन्वायरमेंट को के वो ये पांच लेवल्स हैं और ये कहते हैं कि ये जो पांचों लेवल्स हैं ये ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है ये सभी क्या हैं इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से इसका इफेक्ट इस पर भी पड़ता है इसका इफ़ेक्ट इस पर भी पड़ता है सभी चीज़ें क्या हैं इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से हम बिल्कुल डिफरेंट करके उन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं ठीक है सभी चीज़ें मिलजुल कर ही बच्चे पर क्या डालती हैं इफ़ेक्ट डालती हैं उसकी डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है क्लियर तो ये चाइल्ड को बिल्कुल सेंटर में रखते हैं कि बच्चे के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि बच्चे पर इन चीज़ों का क्या प्रभाव है तो सबसे जो बच्चे के साथ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आते हैं वो है माइक्रो सिस्टम उसके बाद इस तरह से जैसे इनके साथ डायरेक्ट लिंक हटता जाता है उसके बाद आता है मीज़ो सिस्टम देन कम्स द एक्जो सिस्टम उसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम एंड फाइनली इज क्रोनो सिस्टम ठीक है यहाँ पे इन्होंने चाइल्ड को बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया है कि बच्चे का इन्फ्लुएंस ये सारे क्या हैं लेवल्स ऑफ एनवायरनमेंट है ये सारा क्या है एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट है ये बच्चे को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है पॉजिटिव इफेक्ट है नेगेटिव इफेक्ट है डायरेक्टली है इनडायरेक्टली है ये सारे लेवल्स क्या हैं बच्चे पर इफेक्ट डालते हैं अब हम इन लेवल्स को वन बाई वन स्टडी कर लेते हैं सो so, सबसे पहले है माइक्रो सिस्टम माइक्रो सिस्टम में वो लोग आ जाते हैं जो बच्चे के साथ इमीडिएट एनवायरनमेंट उसका एक्ट करते हैं या फिर हम कहते हैं बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं हम क्या कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चों का जिनके साथ या फिर जो बच्चों का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है ये लोग कौन होते हैं सबसे पहले तो घर से ही ये चीज़ स्टार्ट होती है होम से फैमिली से पेरेंट्स होते हैं देन स्कूल में हम अगर बात करें तो हमारे टीचर्स एंड पीयर्स तो इनके साथ हमारा किस तरह का रिलेशन है वो बच्चे की डेवलपमेंट पर बहुत इफ़ेक्ट डालता है लाइक like पेरेंट्स अगर बच्चे को अच्छा टाइम दे रहे हैं प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थी हैबिट्स डाल रहे हैं तो बच्चे की डेवलपमेंट उस अकॉर्डिंग होगी टीचर्स के साथ बच्चों का कैसा रिलेशन है ठीक है जैसे टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं कोई टीचर्स बच्चों के साथ है ना पार्शियलिटी कर देते हैं कुछ भी लगा लीजिए टीचर्स के साथ बच्चों के किस तरह के रिलेशंस हैं वो भी बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं अगर टीचर्स मोटिवेटिंग नेचर के हैं ठीक है नॉन प्यूनिटिव हैं पनिशमेंट्स देने में बिलीव नहीं करते वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं उनको समझाते हैं तो बच्चे इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं अब पियर्स बच्चों का फ्रेंड सर्कल किस तरह का है ठीक है सभी के साथ अगर हेल्दी रिलेशंस हैं हेल्दी रिलेशनशिप है तीनों एजेंसीज के साथ हम कह सकते हैं तो क्या है बच्चे की डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड पर होगी ठीक है माइक्रो सिस्टम है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बच्चों के साथ जिनका होता है वो है पेरेंट्स टीचर्स एंड पीयर्स पेरेंट्स के साथ साथ अगर फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो वो भी साथ में यहाँ पर आएगा ये चीज़ क्लियर है देन इज़ मीज़ो सिस्टम यह है सेकेंड लेयर हम जो अपना सेकेंड लेवल कह सकते हैं सबसे क्लोज क्लोजेस्ट लेवल कौन सा है माइक्रो सिस्टम उसके बाद जो लेवल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं देखिए मीजो सिस्टम के अंडर आता है माइक्रो सिस्टम आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे को कहाँ पे बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया गया बच्चे के बिल्कुल फर्स्ट वाली लेयर जो उसको कवर कर रही है लेवल वो क्या है माइक्रो सिस्टम उसके बाद जो लेवल उसको कवर कर रहा है दैट इज मीजो सिस्टम मीजो सिस्टम के अंदर ही है माइक्रो सिस्टम ठीक है तो माइक्रो सिस्टम में क्या है जहाँ पे बच्चे डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाते हैं लेकिन उनका रिलेशन होता है इनडायरेक्ट हम कहते हैं लाइक रिलेशन बिटवीन माइक्रो सिस्टम एंड वंस लाइफ रिलेशन बिटवीन अब माइक्रोसिस्टम यहां पे क्या कह रहे हैं जो भी रिलेशन है माइक्रो सिस्टम में जो लोग प्रेजेंट थे ठीक है उनका विद वंस लाइफ बच्चे की लाइफ के साथ उन लोगों का किस तरह से रिलेशन है और आपस में देखिए जैसे पीटीएम होती है पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना वहां पीटीएम पे क्या होता है देखिए पेरेंट्स टीचर से जाकर मिलते हैं कोई टीचर्स बताते हैं कि बच्चे में ये चीज़ इंप्रूव करने वाली है या पेरेंट्स बताते हैं कि ये चीज़ें वो कम प्रैक्टिस करता है आप उस पर ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दीजिए तो इससे ओवरऑल डिस्कशन किसके बारे में हो रही है चाइल्ड के बारे में ठीक है तो चाइल्ड की इंप्रूवमेंट के बारे में उसकी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन हो रही है तो ये क्या है एक तरह का इनडायरेक्ट ठीक है मीजो सिस्टम में क्या होता है जहाँ पे बच्चे का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या है बच्चे की डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ता है ठीक है उसके बाद पेरेंट्स का बच्चे के फ्रेंड सर्कल जो भी हैं बच्चे के फ्रेंड सर्कल यानी कि पीयर्स के साथ किस तरह का रिलेशन है पेरेंट्स क्या बच्चे के फ्रेंड्स को पसंद करते हैं ठीक है घर पे बच्चे के फ्रेंड्स आते हैं उनके साथ किस तरह का रिलेशन है ये चीज़ भी बच्चे पर इफेक्ट डालती है मीज़ो सिस्टम में क्या आ जाता है जिनके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली पेरेंट्स का टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन है क्या वो टाइम देते हैं पी पर जाते हैं या टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते हैं टीचर्स के साथ इफ़ नीडेड ठीक है वो भी क्या है इफ़ेक्ट डालता है बच्चे की डेवलपमेंट पर उसकी इम्प्रूवमेंट पर नो नेक्स्ट इन एक्जो सिस्टम क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जहाँ पे बच्चों का डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है ठीक है डायरेक्टली उनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन उन पर वो चीज़ इफेक्ट डालती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे के पेरेंट्स हैं जो ठीक है वो जॉब करते हैं तो उनकी प्रमोशन हो गई तो उनका क्या होगा तो हो फाइनेंशियल स्टेटस राइज होगा ठीक है स्टेटस राइज होगा तो फिर क्या होगा उनके पास मनी ज़्यादा होगी उनका लाइफस्टाइल चेंज होएगा तो वो क्या है बच्चे की डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालेगा अगर इनकेस प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो गई तो इनके पास जो फाइनेंशियल फाइनेंस uh, है या फाइनेंशियल स्टेटस है इनका वो लो हो जाएगा तो बच्चे के पास जो फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज होने की बजाय कम हो गई तो वो भी उस पर इफेक्ट करेगा डायरेक्टली तो देखिए बच्चा तो नहीं जॉब करता ना उसका पेरेंट्स जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन से या उनकी डिमोशन से ठीक है ये प्रमोट हुए हैं या डिमोट हुए हैं इन दोनों फैक्टर से भी किस पर इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली चाइल्ड पर ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ पर क्या है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ये तो हो गया पेरेंट्स का उसके बाद इन्फ्लुएंस कैसे होता है स्कूल बोर्ड्स का स्कूल बोर्ड्स का किस तरह से स्कूल बोर्ड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करिकुलम बनाते हैं और बच्चा करिकुलम स्टडी करता है स्कूल में तो स्कूल बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर वो अच्छा करिकुलम बनाएंगे तो बच्चे के लिए अच्छा होगा और वो वेल डेवलप्ड होगा अगर वो सिर्फ लेजी uh, सा करिकुलम बना देंगे जहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है सिर्फ बुकिश नॉलेज है तो बच्चा उस तरह से डेवलप होगा ठीक है उसके बाद हम कहते हैं कि नेबरहुड हो सकता है या फिर मास मीडिया होता है मास मीडिया होता है लाइक like मूवीज़ हम लोग देखते हैं तो मूवीज़ में जो चीज़ें हैं हम उससे पॉजिटिव भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और नेगेटिव भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ठीक है जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वैसे तो लिखा जाता है कि स्मोकिंग इज़ इंज्यस टू हेल्थ और मूवीज़ में स्मोकिंग दिखाई जाती है लेकिन वो बच्चों को क्या लगती है अट्रैक्टिव लगती है और वो उस चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो है तो नेगेटिव चीज़ ठीक है वो बच्चों को किधर लेके जाती है डेवलपमेंट नीचे की तरफ तो ये चीज़ इफेक्ट करती है सभी चीज़ें इनडायरेक्टली अब डायरेक्टली मूवी में ये तो सिखाया तो नहीं जा रहा ना कि आप लोगों को स्मोकिंग करनी चाहिए बल्कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरस टू हेल्थ वो आपके लंग्स को इफेक्ट कर सकती है लेकिन हम वो चीज़ नहीं देखते हमें सिर्फ जो चीज़ स्ट्राइक करती है हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं तो बच्चे को ये चीज़ भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है सो चाइल्ड इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड हेयर ऑल्सो तो उसके डेवलपमेंट पर भी उसका प्रभाव पड़ता है ओके एट दिस पॉइंट नेक्स्ट इन मैक्रो सिस्टम अब मैक्रो सिस्टम में क्या होता है कि फैमिली का आपका एनवायरनमेंट कैसा है क्या कल्चर है फैमिली का ठीक है फैमिली में आपके किस तरह का कल्चर है क्या स्टेटस है आपकी फैमिली का इस चीज़ पर बच्चों की डेवलपमेंट बहुत निर्भर होती है अगर देखिए कल्चरल किस तरह का है अगर तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है लाइक कई फैमिलीज़ का कल्चर होता ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते वो ज़्यादा आज के टाइम में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका स्टेटस है लाइक पुअर पीपल हैं जो वो एजुकेशन को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो उनका स्टेटस क्या है कि वो पुअर हैं लेकिन उससे क्या हो गया जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो कहाँ चली गई नीचे की तरफ क्योंकि वो लेबर करते हैं ठीक है हैंड टू माउथ काम होता है जितना कमा लिया बस उतना ही खा लिया तो बच्चे भी क्या हैं वही देखते हैं उनको पता ही नहीं एजुकेशन का क्या रोल है लाइफ में या फिर वो फैसिलिटीज़ उनको मिल नहीं पाती हैं उसके कारण ठीक है तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किस पर इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का बच्चे के डेवलपमेंट पर फैमिली का क्या कल्चर है क्या उसका स्टेटस है ठीक है तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं या फिर क्या कम्युनिटी है हमारी या फिर हमारा नेबरहुड किस तरह का है नेबरहुड इसका एनवायरनमेंट किस तरह का है ठीक है हम कौन सी कंट्री में रहते हैं अब हर एक चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ता है अब देखिए कंट्री अगर डेवलप्ड है ठीक है डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है लाइक अवर इंडिया इंडिया क्या है एक डेवलपिंग कंट्री है सो so, अगर हम डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं उसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है डेवलपमेंट और ज़्यादा होती है वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है अगर हम डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं तो इसकी जो पेस है या स्पीड हम कह सकते हैं वो स्लो हो सकती है बच्चे के डेवलपमेंट की तो ईच एंड एवरी फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड ओवरऑल ठीक है कोई फैक्टर डायरेक्टली इसको इफेक्ट uh, कर रहा है तो कोई इंडिपेंडेंटली इफेक्ट कर रहा है तो हम यही कहते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एनवायरमेंट होती हैं जो बच्चे को इफेक्ट करती हैं देन लास्ट इज़ द क्रोनो सिस्टम नाउ क्रोनो सिस्टम इज़ रिलेटेड विद टाइम हम कहते हैं कि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं ये अगर इसको किसी बात का दुख है तो टाइम के साथ साथ वो चला जाएगा तो इसको हम कहते हैं ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट हो गया फैमिली में उसने अपने किसी फैमिली मेंबर को लॉस्ट कर दिया ठीक है फैमिली मेंबर कोई किसी की डेथ हो गई तो वो बच्चा उस इंसिडेंट से उसको उभरने में क्या लगेगा टाइम लगेगा ठीक है तो वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट भी एक तरह से एक बार रुक जाती है फिर धीरे धीरे बच्चा उस सदमे से जो है हम कहते हैं बाहर निकलता है या फिर इसमें बेसिकली जो एग्ज़ाम्पल होती है लाइक डाइवोर्स हो जाता है पेरेंट्स का या फिर सिंगल पेरेंट चाइल्ड होता है तो वो बच्चे के दिमाग पर बहुत इफेक्ट डालता है क्योंकि बच्चे के लिए तो दोनों एक बराबर हैं माता पिता एक समान होते हैं लेकिन डिवोर्स के बाद बच्चे का मेंटल स्टेटस एक बार बिल्कुल हिल जाता है फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है तो बच्चा स्टेबल होने लगता है ठीक है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे की स्टेबिलिटी हो जाती है लेकिन ड्यू टू सम इंसिडेंट ठीक है बच्चे की डेवलपमेंट पर वो बहुत इफ़ेक्ट डालता है समझ में आ गई ये चीज़ सो क्रोनो सिस्टम इज़ रिलेटेड विद द टाइम कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशंस जो हैं बच्चे की डेवलपमेंट uh, जो है वो फिर उस पेस पर आ सकती है लेकिन अगर उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है तो वो भी उसकी डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालता है नेचुरली अगर बच्चा कोई बहुत बड़े पेपर uh, की प्रेपरेशन कर रहा है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर की प्रपरेशन कर रहा है इमीडिएट उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया तो ना तो उससे पढ़ा जाएगा उसकी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा तो वो अपना वो पेपर जो देने वाला है वो क्रैक नहीं कर पाएगा ठीक है तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सो दीज आर द फाइव लेवल्स ऑफ इन्वायरमेंट जो बच्चे पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट करते हैं उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं तो यही कंसेप्ट था ब्रॉन फैंड ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी का सो फ्रेंड्स आई होप ये आपको हेल्पफुल रही होगी और समझ में आ गया होगा कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो और टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे सो वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन की वॉचिंग फ्रेंड्स